नाभिकीय विखंडन की व्याख्या करने के लिए आज हम द्रव्यमान मॉडल को समझते हैं। नाभिकीय विखंडन को समझाने के लिए 1939 में बोर तथा व्हीलर ने द्रव्यमान मॉडल का उपयोग किया था। इस मॉडल में नाभिक को एक असंपीड्य और उच्च घनत्व की द्रव बूंद के रूप में माना गया था। शांत अवस्था में नाभिक को गोलाकार द्रव बूंद के रूप में माना जाता है तथा इस अवस्था में पृष्ठ तनाव बल तथा प्रतिकर्षण कूलाम्ब बल संतुलित रहते हैं। जब कोई भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो नाभिक बहुत तेजी से ऑसिलेट करने लग जाता है और इन दोनों की वजह से नाभिक के गोलीय स्वरूप में विकृति उत्पन्न होती है और ऐसी विकृति के कारण नाभिक गोलाकार से इलेप्टिकल यानी दीर्घवृत्त हो जाता है। यहां यदि जो उसको बाहरी कण से जो ऊर्जा मिलती है जिसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे, यदि इसका मान ज्यादा नहीं है तो सरफेस टेंशन फोर्स के कारण नाभिक पुनः अपनी गोलाकार अवस्था में आ जाता है। लेकिन यदि बाहरी कण के द्वारा दी गई एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में नाभिक के जो ऑसिलेशंस हैं वो वायलेंट हो जाते हैं यानी बहुत ज्यादा उसके अंदर दोलन होने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में नाभिक जो है दीर्घवृत्त आकार से डंबल आकार को ग्रहण कर लेता है। ऐसे में नाभिक में प्रोटोनों के बीच कूलाम्ब प्रतिकर्षण बलों के कारण दूरी बढ़ने लग जाती है और अंततः नाभिक दो भागों में विभाजित हो जाता है। यदि हम विभव रोधिका की ऊंचाई जिसको हम VC से डिनोट करते हैं और विखंडन ऊर्जा के मान यानी कि QF का रेफरेंस लें जिसको कि हम सक्रियण ऊर्जा कह सकते हैं EA, तो हम कह सकते हैं किसी नाभिक के लिए सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा जिसके होने पर नाभिक का स्वतः विखंडन हो जाता है तो हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यहां हम तीन विशिष्ट परिस्थितियों के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि सक्रियण ऊर्जा का मान ग्रेटर देन जीरो हो तो ऐसी स्थिति में नाभिक के लिए क्यू मान विभव रोधिका VC से अधिक होता है। ऐसी स्थिति द्रव्यमान संख्या H ग्रेटर देन 250 वाले नाभिकों में ही पाई जाती है। इन नाभिकों में स्वतः विखंडन की संभावना अधिक होती है, इस कारण ऐसे नाभिक प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। यानी जिनके लिए द्रव्यमान संख्या का मान 250 से ज्यादा है वो नाभिक स्वतः ही विखंडित होकर के छोटे नाभिकों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यदि सक्रियण ऊर्जा का मान लेस देन जीरो हो तो ऐसी स्थिति में नाभिकों के विखंडन के लिए विभव प्राचीर को प्राप्त करने के लिए बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे नाभिकों की श्रेणी में थोरियम 232, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, नायोबियम 237, प्लूटोनियम 239 इस तरह के नाभिक आते हैं। इनमें से जो यूरेनियम 233, 235, प्लूटोनियम 239, नेपच्यूनियम 237 जो न्यूक्लियस हैं नाभिक हैं वो थर्मल न्यूट्रॉन के कैप्चर से भी विखंडित हो जाते हैं, जबकि थोरियम 232 और यूरेनियम 238 नाभिक जो हैं वो फास्ट न्यूट्रॉन्स के कैप्चर से ही विखंडित होते हैं। तीसरा केस, यदि हमारे पास में सक्रियण ऊर्जा का मान वेरी वेरी लेस देन जीरो हो तो ऐसे नाभिकों की स्थिति में वो नाभिक आते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 85 से अधिक और 209 से कम होती है। इनको विखंडित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इन नाभिकों के विखंडन की संभावना भी कम होती है और ऐसे नाभिक स्थायी नाभिक कहलाते हैं। नाभिक के द्रव्यमान मॉडल से निम्न बातों को नहीं समझाया जा सका, यानी इसकी विफलताएं क्या है। अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उस दूरी पर होता है जिसकी विमा इलेक्ट्रॉन कक्षा की विमा के तुल्य हो, इससे कम दूरी पर प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके विपरीत इस सीमा में नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षण होती है जिसे नाभिकीय बल की परास कहते हैं। द्रव्यमान में प्रति अणुओं की औसत ऊर्जा का मान 0.1 MeV होता है जिसके सापेक्ष डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान लगभग 5 × 10⁻¹⁻ मीटर यानी 0.5
5 एंगस्ट्रोम होता है वो द्रव्यमान अंतरणिक दूरियों से कम है। इसके विपरीत नाभिक में न्यूक्लियनों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान भी लगभग 10 MeV होता है, जिसके सापेक्ष डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान 6×10⁻¹⁵ मीटर होता है। यह मान अंतरणिक बलों की परास के तुल्य है। इसके साथ साथ आवेश एवं द्रव्यमान का नाभिक के अंदर का आवेश और द्रव्यमान का उच्च घनत्व और उसके अंदर जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर है इनको भी नाभिक के द्रव्यमान मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। आइए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया तथा द्रव्यमान प्रारूप के बारे में समझते हैं। नाभिकीय द्रव्यमान प्रारूप के अनुसार नाभिक की पृष्ठ ऊर्जा का मान द्रव्यमान की पृष्ठ ऊर्जा के समान है। पृष्ठ ऊर्जा का मतलब सरफेस टेंशन जो एनर्जी है उसके कारण। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल के मान में यदि हम वृद्धि करते हैं तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी। इस पृष्ठ ऊर्जा के कारण नाभिक का स्वरूप गोलाकार होता है, क्योंकि नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान जो है पृष्ठ ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि हल्की नाभियों में कम व भारी नाभिकों में इसका मान अधिक होता है। इस कूलम ऊर्जा के कारण नाभिक में न्यूक्लियन दोलन करते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया कि कोई भी हमारे पास में न्यूक्लियस जो है शांत अवस्था में है, यदि उसके ऊपर कोई बाह्य पार्टिकल यदि वो कैप्चर करता है और कैप्चर के कारण वो क्या करने लग जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्बेंस के कारण उसके अंदर दोलन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रारूप के आधार पर विखंडन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम की नाभिक का उदाहरण लेते हैं, जिसको कि हमने फिगर ए में डिफाइन किया हुआ है। इसकी आकृति गोलाकार है। इस नाभिक को उत्तेजित करने के लिए बाहर से कुछ ऊर्जा दी जाती है। बाहर से ऊर्जा देने का अभिप्राय यह है कि आपने कोई भी एनर्जेटिक पार्टिकल जो है उसको इसके अंदर एंटर करा दिया, नाभिक ने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप न्यूक्लियस जो है आपका क्या करेगा, दोलन करना प्रारंभ कर देगा और उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, और विकृत का मतलब इलेप्टिकल शेप में हो जाएगी, जैसा कि इस पॉइंट में दिखाया गया है। यदि इस प्रक्रिया में यह माना जाए कि नाभिक का आयतन स्थिर रहे तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या हुआ, ये स्फेरिकल से इलेप्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब सरफेस एरिया इसका बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी के मान में भी वृद्धि होगी, परंतु नाभिक में विकृति होने से न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी का मान भी बढ़ेगा। न्यूक्लियस के बीच की दूरी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पर। अब जब न्यूक्लियंस के बीच की दूरी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो कूलम्बिक एनर्जी है उसका मान कम हो जाएगा, और इस स्थिति में नाभिकीय बल को संतुलित करने वाला बल भी परिवर्तित होगा। इसके कारण नाभिकीय बल नाभिकीय आकृति व कूलम्ब प्रतिकर्षण को बनाए रखने के लिए कम्पीट करने की कोशिश करेगा। यदि उत्तेजन उपयुक्त हो तो कूलाम बल का मान इस स्थिति में बढ़ने के कारण नाभिक को फिगर सी के अनुसार परिवर्तित कर देगा, यानी कि डम्बल शेप में वो उसको क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। इसी अधिक दूरी पर नाभिकीय पृष्ठ का मान इसको समीप रखने में असफल होगा, जिसके कारण नाभिक की आकृति का स्वरूप चित्र डी के अनुसार हो जाएगा। इस तरह से यानी इनमें अब लगभग सेपरेशन का क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। इस स्थिति में कूलाम बल इन दोनों के मध्य की दूरी को बढ़ाने की कोशिश करेगा और अंत में दोनों न्यूक्लियन पृथक हो जाते हैं, जैसा कि फिगर ई में डिफाइन किया गया है। स्थायी नाभिकों में स्वतः विखंडन की अभिक्रिया को हम टनलिंग इफेक्ट के द्वारा बता सकते हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। किसी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नाभिक में विखंडन के दौरान मिलने वाले प्रति विखंडन न्यूट्रॉनों की संख्या का मान पूर्ण गुणज के रूप में नहीं होता है। प्रति विखंडन के दौरान नाभिक के लगभग 30 विभाजन होते हैं, अतः इस प्रक्रिया में मिलने वाले न्यूट्रॉन की संख्या का मान औसत रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसको कि हम न्यू एवरेज से दर्शाते हैं। क्योंकि विखंडन प्रक्रिया में विखंडन के पश्चात बनने वाले विखंडित नाभिक प्राथमिक खंड में से शीघ्रता से न्यूट्रॉन उत्सर्जित होने से बनती है, वह नाभिक गामा किरणों को भी उत्सर्जित करती है, अतः प्रति विखंडन उत्सर्जित न्यूट्रॉन व उसके सापेक्ष उसमें न्यूट्रॉन की संख्या के अनुपात को हम गुणांक ईटा के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि
ईटा इक्वल्स टू न्यू बार एवरेज अपॉन वन प्लस एल्फा, जहां एल्फा क्या है, रेडिएटिव क्रॉस सेक्शन और जो आपका फिजन क्रॉस सेक्शन है उन दोनों का रेशियो होता है, और ये दोनों क्रॉस सेक्शन का जो टोटल होगा उसको हम टोटल क्रॉस सेक्शन सिग्मा ए से भी डिफाइन करते हैं। तो ईटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा ए न्यू बार एवरेज अपॉन सिग्मा ए। ईटा गुणांक नाभिक के रिएक्टर में होने वाली विखंडन प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला गुणांक होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन गुणक गुणांक की। न्यूट्रॉन गुणांक गुणांक को हम समझने से पहले श्रृंखला अभिक्रिया की बात करते हैं। देखिए यहां एक चैन रिएक्शन सिखाई गई है। इस चैन रिएक्शन में यह हमारे पास में प्रथम पीढ़ी का एक न्यूट्रॉन है जो कि विखंडित होने वाली नाभिक पर स्ट्राइक कर रहा है। जब नाभिक के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है तो क्या क्या इफेक्ट होंगे कि द्वितीय पीढ़ी के न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होंगे जिन्हें स्ट्रेट लाइन से डिफाइन कर रखा है, और एनर्जी गामा रेज के रूप में बाहर निकलेगी। अब ये जो द्वितीय पीढ़ी के न्यूट्रॉन है ये विखंडित होने वाली अन्य नाभिक पर स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के बाद में तृतीय पीढ़ी के न्यूट्रॉन और एनर्जी गामा को उत्सर्जित करते हैं। नाभिक के विखंडन की इस प्रक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विखंडन में उत्सर्जित एक औसत न्यूट्रॉन दूसरी नाभिक को विखंडित कर एक कम से कम एक न्यूट्रॉन उत्पन्न करे, यानी कि प्रथम पीढ़ी के न्यूट्रॉन ने किसी नाभिक को के ऊपर बमबार्ड किया और उसके कारण नाभिक जो है विखंडित हो रही होती है, तो विखंडन के फलस्वरूप एक कम से कम एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होना आवश्यक है। यदि न्यूट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति में ये अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। इस प्रक्रिया में बनने वाले न्यूट्रॉन की जो संख्या है को हम न्यूट्रॉन गुणन गुणक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसे कैपिटल के द्वारा भी परिभाषित करते हैं, जहां कैपिटल के जो होता है कि किसी भी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या और उससे पूर्व पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या का जो अनुपात होगा उसको हम न्यूट्रॉन गुणक गुणक कहते हैं। यदि के की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, यानी कि इस प्रक्रिया में के का मान यदि ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी पीढ़ी में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या उससे पूर्व पीढ़ी में जो न्यूट्रॉन्स काम में लिए गए थे उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया के लिए अपसारी होगी। और यदि k इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन की संख्या का मान है पूर्व पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या के मान के बराबर है, तो यह अभिक्रिया क्या होगी, श्रृंखला अभिक्रिया होगी। और k इज लेस देन 1 है, तो इस स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या का मान पूर्व पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या के मुकाबले में कम होगा, और ऐसी स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं होगी। क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रति विखंडन कम से कम एक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो, अतः इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की संख्या प्रत्येक पीढ़ी में के माइनस वन टाइम्स बढ़ती चली जाएगी। यदि प्रारंभिक स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या को हम कैपिटल एन मान लें, तो प्रति विखंडन में न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि एन इंटू के माइनस वन होगी। यदि दो क्रमागत विखंडन में लगा समय टाव हो, तो dn अपॉन dt इक्वल्स टू n इंटू के माइनस वन अपॉन टाव, और इसको हम यदि सोल्व करें तो सोल्व करने पर ये हमारे पास में इक्वेशन आती है, n इक्वल्स टू n जीरो एक्सपोनेंशियल k माइनस वन t अपॉन टाव। यदि k इज लेस देन वन है, तो एक्सपोनेंशियल k माइनस वन अपॉन टाव इंटू t इज ग्रेटर देन वन, अर्थात समय के साथ न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि छयांक रूप से होती रहेगी, एक्सपोनेंशियली क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या में इंक्रीजिंग होगा। किसी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए संतुलन अवस्था निम्न बातों पर निर्भर करती है, यानी कि संतुलन अवस्था के लिए इन बात जो चार पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम बता रहे हैं, इनको हम असंतुलन की स्थितियां भी कह सकते हैं। यदि विखंडित होने वाली नाभिक से एक से अधिक न्यूट्रॉनों को उत्सर्जित कर रही है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो कैसी होगी, असंतुलित होगी। क्योंकि संतुलन अवस्था के लिए तो क्या होना चाहिए, प्रति विखंडन नाभिक से एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए।
यदि अभिखंडित नाभिक के द्वारा न्यूट्रॉनों को कैप्चर कर लिया जाए यानी न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाता है तो न्यूट्रॉनों की संख्या सेकंड पीढ़ी में क्या हो जाएगी, नेक्स्ट वाली पीढ़ी के लिए कम हो जाएगी, तो श्रृंखला अभिक्रिया आपकी संतुलित नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट यह है कि अभिखंडित नाभिक के परिवेश में कोई अन्य न्यूक्लियस है जिसके द्वारा न्यूट्रॉनों को कैप्चर कर लिया जाए। और चौथी कंडीशन है कि विखंडन के दौरान जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन है वो बाहर निकल जाए। उपरोक्त स्थिति में द्वितीय व तृतीय स्थिति को विखंडित होने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक करके रोकी जा सकती है, जबकि चौथी स्थिति को रिएक्टर के आकार को बढ़ा करके समाप्त की जा सकती है। यदि रिएक्टर का आकार गोलाकार हो तो उस स्थिति में क्षरण होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या 1/r² के अनुक्रमानुपाती होगी तथा विखंडित होने वाले नाभिक से उत्सर्जित न्यूट्रॉन का मान r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां r जो है गोलाकार जो आपका रिएक्टर है उसकी रेडियस है। अतः एक ऐसा आकार जिसमें क्षरण होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या का मान न्यूनतम हो के आकार को हम क्रांतिक आकार कहते हैं, और एक क्रांतिक आकार कैसा होता है, गोलीय आकार होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यदि श्रृंखला अभिक्रिया में के का मान 1 से अधिक हो तो इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तथा उत्सर्जित ऊर्जा भी अधिक होगी। यानी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणक का मान 1 से अधिक है तो ऐसी केस में हर पीढ़ी के अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती रहेगी और उत्सर्जित ऊर्जा भी अधिक होगी। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि विखंडित होने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक हो तथा इस प्रकार से उसके विखंडन का अनुप्रस्थ काट भी अधिक होगा। क्रांतिक द्रव्यमान, किसी पदार्थ की आकृति में निहित द्रव्यमान का वह न्यूनतम मान जिससे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो सके क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। देखिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग तो हम अपने उपयोगी कार्य के लिए करते हैं, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए करते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग हम लोग परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, इन बमों को बनाने के लिए करते हैं, जहां पर कि क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सके। तो क्रांतिक द्रव्यमान वह द्रव्यमान होगा जिससे कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को आरंभ किया जा सके। सामान्यतः गोलाकार आकृति के क्षेत्रफल एवं आयतन का अनुपात यानी एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है अन्य आकृतियों की तुलना में न्यूनतम होता है। इस आकृति के लिए के का मान अधिकतम होता है। गोलाकार आकृति के लिए एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है 3/r होता है, क्योंकि आप निकाल सकते हैं एरिया 4πr² और वॉल्यूम 4/3πr³, तो ये वैल्यू 3/r के बराबर आती है। इस स्थिति में विखंडन के दौरान प्राप्त न्यूट्रॉन बिना विखंडित होने वाली नाभि से क्रिया करे बगैर बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का मान गोलाकार आकृति की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात गोलाकार आकृति में बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का मान कम होता है। इस स्थिति में r के उस मान के लिए जिसमें विखंडित नाभिक के द्वारा अवशोषित एक न्यूट्रॉन से औसतन एक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो, उसके लिए r का न्यूनतम मान के तुल्य गोले आकृति के द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। अब हम बात करें यूरेनियम-235 के लिए, तो यूरेनियम-235 के लिए क्रांतिक द्रव्यमान का मान 5 किलोग्राम होता है। अतः 5 किलोग्राम का एक गोला लेने पर पर्याप्त ऊर्जा यानी अनियंत्रित विखंडन की बात करें तो यदि आपने 5 किलोग्राम का एक गोला ले लिया तो पर्याप्त ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती है। अतः विखंडन के दौरान पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम दो अर्धवर्ताकार टुकड़े जो कि 2.5 किलो के होते हैं उन्हें मिलाकर उन्हें संयुक्त कर अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं जिससे कि पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है, और यह प्रक्रिया हम परमाणु बमों में अपनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में नाभिकीय रिएक्टर। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की है आपके, एक तो होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग जैसा अभी बताया आपको हम परमाणु बम बनाने के लिए करते हैं, जबकि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग हम लोग
जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहां पर करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और इसके लिए जो न्यूट्रॉन गुणक गुणांक है K, इसका मान 1 रखा जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों की प्रकृति उसमें प्रयुक्त ईंधन के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि ये ईंधन की प्रकृति के आधार पर हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, एक थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर यानी तीव्र नाभिकीय रिएक्टर, और दूसरा तापीय नाभिकीय रिएक्टर। विखंडन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन की प्रति न्यूट्रॉन औसत ऊर्जा लगभग 2 MeV के बराबर होती है। इस ऊर्जा के मान के सापेक्ष जो अनुप्रस्थ काट है उसका मान न्यूनतम होता है, और इसको बढ़ाने के लिए रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इससे नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित न्यूट्रॉन को श्रृंखला अभिक्रिया के लिए संतुलित किया जा सकता है। वह रिएक्टर जिसमें इस प्रकार के तीव्र न्यूट्रॉन का उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है उन्हें तीव्र नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। यदि विखंडित नाभि मीन्स जो हमारा फ्यूल है, तथा न्यूट्रॉन के वेग को मंदकों के द्वारा कम कर दिया जाए तो भी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए नाभिकीय ईंधन का अनुप्रस्थ काट को बढ़ाया जा सकता है। इन न्यूट्रॉन को सामान्यतः तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं, तथा जिस रिएक्टर में इनका यूज होता है उसे हम ताप नाभिकीय रिएक्टर यानी थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहते हैं। सामान्यतः नाभिकीय ईंधनों में समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। समृद्ध यूरेनियम जो है उसके अंदर यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 जो आइसोटोप है यूरेनियम के, इनका रेशियो 139:1 रखा जाता है। यूरेनियम 235 का अनुप्रस्थ काट 2 MeV ऊर्जा पर कम होता है, अतः इसके लिए न्यूट्रॉन को मंदित कर उसका अनुप्रस्थ काट बढ़ाया जाता है ना, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की शर्त को पूरा बरकरार रखा जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों का संतुलन किस प्रकार से किया जाए, आइए उसके लिए फोर फैक्टर फॉर्मूला होता है जिसको कि हम इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। इस फोर फैक्टर जो फॉर्मूला है इसके अंदर आप ये देखिए कि हमारे पास में किसी अनंत माध्यम में न्यूट्रॉन का लीकेज यदि हम शून्य कर दें और माध्यम के अनंत प्रसार के कारण न्यूट्रॉन का माध्यम को छोड़कर निकल जाने की प्रायिकता अत्यंत ही कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो न्यूट्रॉन गुणन कारक के है उसको हम के इन्फिनिटी से डिफाइन करते हैं, और इसका मान चतुर्गुणांक फॉर्मूला यानी फोर फैक्टर फॉर्मूला से दिया जाता है। चतुर्गुणांक सूत्र नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के साथ घटने वाली सभी भौतिक प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अनंत विस्तार वाले माध्यम में चार प्रमुख कारक होते हैं जो रिएक्टर के आकार और बनावट से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ये चार प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पहला प्रोडक्शन फैक्टर, दूसरा थर्मल यूटिलाइजेशन फैक्टर, तीसरा रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी, और चौथा बेस्ट हो फास्ट फ्यूजन फैक्टर्स। आइए किसी रिएक्टर में जिसमें समृद्ध यूरेनियम तथा मंदक हो में न्यूट्रॉन के व्यवहार को समझने के लिए हम निम्न प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल यूरेनियम 235 का लेते हैं। यूरेनियम 235 जो कि एक फ्यूल के रूप में किसी रिएक्टर में काम में लिया जा रहा है को यदि तापीय न्यूट्रॉन से विखंडित किया जाए तो विखंडन के दौरान प्राप्त औसत न्यूट्रॉनों की संख्या जिसको न्यू बार डिफाइन करते हैं, यदि इसमें से कुछ न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 की न्यूक्लियस के द्वारा अभिग्रहण कर लिए जाए तो पुनः विखंडन की संभावना को दर्शाते हैं। इस प्रकार पुनः विखंडन से हमें अतिरिक्त न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। माना कि इस प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या में होने वाली वृद्धि को एप्सिलॉन गुणांक जिसको कि हम तीव्र नाभिकीय रिएक्टर गुणांक भी कहते हैं, तो हमें न्यू बार के स्थान पर एप्सिलॉन न्यू बार फास्ट न्यूट्रॉन्स प्राप्त होंगे। अब ये जो हमें एप्सिलॉन न्यू बार जो न्यूट्रॉन्स प्राप्त हुए हैं इनकी संख्या में होने वाले विभिन्न स्थितियों में परिवर्तन का ऊपर विचार करते हैं। क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं? पहली संभावना ये बन सकती है कि जो एप्सिलॉन न्यू बार तीव्र न्यूट्रॉन प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ न्यूट्रॉन रिएक्टर से बाहर चले जाए। ठीक है, मान लेते हैं कि
ऐसे न्यूट्रॉनों के बाहर जाने वाले न्यूट्रॉनों का जो अंश है वो उसको हम स्मॉल एल एफ से डिफाइन करें। तो रिएक्टर के अंदर शेष न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी, 1 माइनस एल एफ न्यू बॉर एप्सिलॉन होगी। अब ये जो शेष इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर बचे हुए हैं कि प्रति न्यूट्रॉन औसत ऊर्जा का मान कितना होगा, 2 MeV के बराबर है जैसा कि स्टार्टिंग में बता रखा है आपको। और इस ऊर्जा पर यूरेनियम का जो अनुप्रस्थ काट है वो 1 bar यानी 10^-24 मीटर स्क्वायर होता है। अतः उपयुक्त विखंडन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि सिग्मा के मान को न्यूट्रॉन का वेग कम कर बढ़ाया जाए। इस स्थिति में हम मंदक यानी मॉडरेटर का उपयोग करते हैं और मंदक के लिए प्रयुक्त द्रव्यमान संख्या का मान कम रखा होना चाहिए। उपरोक्त प्रक्रिया मंदन की प्रक्रिया में यदि इनकी ऊर्जा को धीरे धीरे कम किया जाता है, इस प्रकार एक अवस्था में माध्य ऊर्जा के न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के द्वारा अनुनाद की प्रक्रिया में ग्रहण कर लिए जाते हैं और इस प्रक्रिया को अनुनाद की अवशोषण प्रक्रिया कहते हैं। माना इस प्रक्रिया में बाहर जाने वाले न्यूट्रॉन की प्रायिकता का मान पी है, तो इसके पश्चात शेष बचे न्यूट्रॉन की संख्या का मान किसके बराबर होगा, न्यू बॉर एप्सिलॉन 1 माइनस एल एफ मल्टीप्लाइड बाई पी के बराबर। इस प्रकार के न्यूट्रॉन ऊर्जा का मान तापायनिक न्यूट्रॉन की ऊर्जा से बहुत अधिक होता है। इन बचे हुए न्यूट्रॉन में से कुछ अंश यदि रिएक्टर से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने वाले न्यूट्रॉनों के गुणांक का मान एल एस से डिफाइन किया जाए तो शेष तापायनिक न्यूट्रॉनों की संख्या का मान क्या होगा, न्यू बार एप्सिलॉन 1 माइनस एल एफ पी इंटू 1 माइनस एल एस के बराबर। जब इन न्यूट्रॉनों का यूरेनियम 235 द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है तो इनमें से सभी न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, केवल कुछ न्यूट्रॉन ही नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को जन्म देंगे। अतः वह न्यूट्रॉन का अंश जो विखंडन के लिए उत्तरदायी होगा उसका मान सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा ए हो, तो इस स्थिति में विखंडन के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या का मान किसके बराबर होगा, इस पूरी संख्या को हम सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा ए मल्टीप्लाई बाय एफ, जहां एफ क्या है, नाभिकीय ईंधन द्वारा अवशोषित तापायनिक न्यूट्रॉनों का अंश है। यदि हम सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा ए इंटू एफ इसको हम ईटा से रिप्लेस कर दें तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, न्यू और एप्सिलॉन 1 माइनस एल एफ 1 माइनस एल एस पी इंटू ईटा। यदि हम ये कर लें कि रिएक्टर इस प्रकार से डिजाइन करें कि रिएक्टर से बाहर निकलने वाले या रिएक्टर से बाहर जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या का मान शून्य हो यानी एल एफ और एल एस की वैल्यू जीरो हो, तो इस स्थिति में ये गुणन कारक जो है के ये किसके बराबर होगा, के इन्फिनिटी के बराबर होगा और के इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, न्यू बार एप्सिलॉन पी इंटू एन के बराबर। तो ये हमारे पास में फोर फैक्टर फॉर्मूला आ जाता है। इस फोर फैक्टर फॉर्मूला क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर हमारे पास में चार फैक्टर्स है, न्यू बॉर एप्सिलॉन पी और एन। तो इस प्रकार से हम लोग इसके फोर फैक्टर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।